हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुंडू। भाई कल रात को आ गए थे हम वसुधारा वाटरफॉल से। वो ट्रैक से उतरने के बाद सबकी हालत ख़राब हो गई थी, तो आते ही हम यहाँ पे रूम लेके सो गए थे। और हम यहाँ पे लोकली रुके थे, जो गेस्ट हाउस है यहाँ पे, होम स्टे हैं, इनमें रुके थे। ये हमारा रूम था। अभी सब हमने पैकिंग कर लिया निकलने के लिए। अभी आज हम जाएंगे यहीं पे, एक गणेश गुफा है और एक व्यास गुफा है, वो दोनों कवर करेंगे आज के दिन में। वो दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का व्यू कैसा है। ये देखो क्या करने लगे भाई, सुबह सुबह कुछ ना भाई, डाटा ट्रांसफर कराए। डाटा ट्रांसफर ये बहुत ज़रूरी है दादाजी। मज़ा आ गया इन पहाड़ों के बीच में रुक के आज रात को, है ना। हाँ, लोकल लोकली जो यहाँ पे बंदे हैं उनके, मतलब विलेज में रुकने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल है। यहीं पे हमने घर का खाना खाया पहाड़ी, और यहीं पे रुके, मज़ा आ गया। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है यहाँ पर, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है सब, है ना। पीछे तो मूर्ति देख लो जब भी आओ ऑर्डर रुकी तो। हाँ, ये है पहचान है इसकी, ये पहचान है, यहाँ पे रुक जाना आते ही। बहुत अच्छे आंटी हैं। और अभी हम निकल लेंगे गणेश गुफा और व्यास गुफा, वो दोनों कवर करेंगे आज, वो दिखाते हैं आपको। पहाड़ देखो कितना मज़ा आ रहा है देखते। देखो मेरा एक सपना है कि मेरा एक खुद का हेलीकॉप्टर हो, और यहाँ कहीं पे मैं अपना हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करूँ यहाँ से कहीं से, और इन वादियों के बीचों बीच ऐसे ऐसे इनके बीच में लेके उड़ूँ। मज़ा आ जा, है ना, मज़ा आ जा ना फूफा, इनके मज़ा आ जाए। साथ में हमको भी बिठा लेना उसमें कहीं हेलीकॉप्टर बिठा लेगा मैंने भाई ये नहीं पूछा मैंने, बिठा लेगा मतलब भाई नहीं रहे, भाई को नहीं तो माना बिठा लेगा, भाई नहीं हमने बिठा लिए ना, मैं अमीर आदमी हूँ। अमीर आदमी के पकड़ का टांग कर दिया कम पर। अरे अरे भाई मार क्यों रहे हो, तड़ा लटक जाऊंगा लोजे मारो, लोजे संजय दत्त वो फिल्म में लटका कर रहे हैं उनको, लोजे मारा पूरे एक गुंडे लटका है गुंडे का नोडे पड़े में पड़ा को मारे इतने तरह हेलीकॉप्टर ने। बाकी मजा आ जाओ इनके बीच में, हेलीकॉप्टर लेकर जाओ स्वाद आ जाए। थोड़ी देर पहले आया था हेलीकॉप्टर, याद था जाते याद आ गया मेरे। तो भाई दोस्तों हम जा रहे हैं व्यास गुफा में, अभी ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू हो गई है हमारी आज की, व्यास गुफा तक जाएंगे। दोस्तों पहुंच गए हम महर्षि व्यास की गुफा में। यहाँ से महर्षि व्यास ने महाभारत डिक्टेट की थी, बोले थे वो, तो ये गुफा है वो। ये देखो भाई यहाँ पे महर्षि व्यास थे, वो बोल रहे थे, और नीचे आपको दिखाएंगे जहाँ पे गणेश जी ने लिखी थी महाभारत। अब इसके अंदर चलते हैं गुफा के। तो ये है दोस्तों महर्षि व्यास की गुफा, अंदर अलाउड नहीं है तो माफ कीजिएगा, बाहर से आपने देख ली धन्यवाद, अंदर से हम लोग देख लेते हैं, बाहर आपको बताते हैं आके। तो दोस्तों अभी व्यास गुफा के दर्शन करके आए हैं अंदर से हम। ये है इसको बोला जाता है व्यास पोथी, इसके ऊपर ये जो पर्वत है इसको बोला जाता है व्यास पोथी, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे पेज, हाँ जैसे पेज इकट्ठा करके रख रखे हों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये पर्वत। ये देखो ध्यान से बिल्कुल, और व्यास गुफा और नीचे जो गणेश गुफा है, इनकी कहानी ये है कि यहाँ पे महर्षि व्यास ने यहाँ से बोल बोल के नीचे गणेश जी को बताया था, और उन्होंने फिर वहाँ पे बैठ के महाभारत लिखी थी। और जो साइड में सरस्वती नदी है जो आपके आपने पिछले व्लॉग में देखी होगी, उसका शोर ज़्यादा हो रहा था तो गणेश जी अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे। उस टाइम पे गणेश जी ने सरस्वती नदी को शांत कर दिया था, तब वहाँ पे जो है वो विलुप्त हो गई थी, अदरवाइज सरस्वती नदी उससे पहले बहुत लंबी हुआ करती थी। तो ये है यहाँ पे इनकी कहानी, और ये तो यहाँ पे है व्यास गुफा, और जो नीचे गणेश गुफा है वो बहुत नीचे, इसे इसी नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चल के कहाँ पे बैठ के श्री गणेश जी ने महाभारत को जो है लिखा था, वो दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे देखो लाइन लगी है बढ़िया, हमारे दर्शन तो अभी अच्छे से हो गए, नीचे चलते हैं अभी गणेश गुफा में। और ये व्यास गुफा से बिल्कुल ऊपर अगर उधर देखेंगे हम, उस साइड देखेंगे तो भाई ये आगे जो है उधर उस पार चाइना शुरू हो जाता है, ये बॉर्डर है अपना आगे जाके। वैसे तो ये दिख रहा है नज़दीक ही, बट ये काफ़ी दूर है, होगा कम से कम 20 किलोमीटर तो होगा। वैसे ये नज़दीक दिख रहा है कि उन पहाड़ों के उस साइड है वो रास्ता जाता है, वो सिर्फ आर्मी के लिए अलाउड है, वहाँ पे लोकल बंदा नहीं जा सकता, वहाँ नीचे से ही बंद है वो,
उधर से कहीं से आता है वो, वहाँ से बंद है। और ये कुछ ऐसा बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से व्यास गुफा के ऊपर से, मतलब साइड से बिल्कुल, ये देखो। तो भाई अब हम वापस नीचे जा रहे हैं गणेश गुफा की तरफ। ये कुछ ऐसा रास्ता है, काफ़ी ढलान और काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे, बहुत नीचे। क्या क्या दादाजी क्या कर रहे थे आप? आ गए हैं। हाँ, हम गणेश गुफा में पहुँच गए हैं भाई, नीचे आ गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं गणेश गुफा। ये पहुँच गए हम गणेश गुफा में भाई दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये गणेश गुफा का द्वार है। अब अंदर जाते हैं इसके। गणेश गुफा से आ गए हैं दोस्तों। ये रास्ता जाता है ऊपर गणेश गुफा की तरफ। पहले गणेश गुफा आएगी, उसके बाद आएगी व्यास गुफा। ये दोनों यहीं इसी रास्ते से हैं। इधर सरस्वती नदी है जो मैंने आपको कल दिखाई थी। अभी हम चल रहे हैं वापस नीचे, यही गांव से होते हुए, माना विलेज से होते हुए नीचे जाएंगे जहाँ पे हमने कल अपनी गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पे। रास्ते में स्टॉल मिलेंगे आपको भाई, अगर आपको कुछ लेना है यहाँ से, काफी कुछ है यहाँ पे लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो दोस्तों आ गए पार्किंग में गणेश गुफा से होते हुए, और भाई अब हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे अब हम? अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ निकल रहे बुआ? गरा चलाएं गरा। भाई असली बात जो है ना वो ये है कि हम केदारनाथ जाने के लिए आए थे, लेकिन केदारनाथ जिस दिन हम आए उसी दिन बंद हो गया हैवी स्नोफॉल की वजह से, और वो अभी तक खुला नहीं है। वो खुलेगा 10-12 दिन के बाद। इतना लंबा तो हम नहीं यहाँ रुक सकते, बाकी हमने मेन कवर कर ली जो जगह थी अच्छी अच्छी। फिर आएंगे कभी दोबारा केदारनाथ पे, फिर कभी चलेंगे। अभी हम देखते हैं। एक चीज़ और सुनने में आई है, केदारनाथ पे लोग फंसे हुए हैं, अभी बंद हो गया मौसम की वजह से, स्नोफॉल की वजह से। और हाँ हाँ, बाकी ये बता रहे हैं कल, हाँ तो इस व्लॉग ने तो 3-4 हफ्ता बाद गिरेगा, तो जिसका ये बताना फायदा नहीं है। पहले हल्के डालूंगा ना। चलो जो भी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तब तक तो, जब तक ये व्लॉग आया तब तक तो खुल जाएगा। फिलहाल की इन्फॉर्मेशन यही है कि वहाँ पे लोगों को इमरजेंसी में 22,000 रुपए में एक रात का कमरा लिया था, कल की बात है। 22,000 रुपए में एक रात का कमरा, आप सोच सकते हो कितना मतलब बुरा हाल हो रखा है। 4 जून की बात है, 4 जून को ये हाल है। अगर कमरा ना ले तो मर जाए इंसान ठंड में, ठंड इतनी है वहाँ पे। तो भाई इस वजह से जब भी आओ, अभी तो 4 से 15 तारीख तक बंद है, लेकिन आगे जब भी आओ तो पहले पूरा सा चेक करके, रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन, यूके उत्तराखंड की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे, चार धाम की, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करके और फिर चेक करके तभी आओ भाई। अदरवाइज यहाँ पे वहाँ पे जाके फंस जाओगे फिर। हम पहले चेक करके चल रहे हैं, इस वजह से ठीक चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं यहाँ से माना विलेज से, जो कि वाकई में स्वर्ग था। आएंगे फिर कभी, निकलते हैं अभी सुंदर सी प्यारी सी जगह को, बाय बाय करते हैं अभी। दोस्तों हम होटल में जोशी मठ आ गए थे, रास्ते में चलते हुए उसी होटल में रुक गए थे जहाँ पे जाते टाइम रुके थे, और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं नरसिंह मंदिर में। वो दिखाते हैं आपको अभी, यहीं पे है जोशी मठ में। तो भाई दोस्तों नरसिंह मंदिर की ओर जाते हुए, और नरसिंह मंदिर की स्टोरी कुछ ऐसी है, तो क्या मतलब जब ऊपर ज्यादा बर्फबारी हो जावे ना तो वहाँ ऊपर बद्रीनाथ के तो कपाट बंद हो जावे हैं, तो वो वहाँ से पालकी में निचले का और नरसिंह मंदिर में दर्शन स्टार्ट हो जावे। नरसिंह मंदिर में यहाँ पे स्थापित कर देते हैं तब तक बद्रीनाथ की प्रतिमा को, फिर यहाँ पे दर्शन होते हैं, बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाता है फिर। तो अभी हम जा रहे हैं इस मंदिर में। ये देखो रास्ते में दोस्त अखरोट का पेड़ है भाई, ये लगे हुए हैं इस पे।
ये अखरोट का पेड़ है भाई, हमें नहीं पता था ये किस चीज का पेड़ है भाई। हम तो वैसे ही चल रहे थे, रस्ते में नजर पड़ गई इस पे, देख लिया। फिर यहाँ के एक लोकल बंदे से पूछा मैं, ये किस चीज का पेड़ है? फिर उन्होंने बताया कि ये अखरोट का पेड़ है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो भाई, आपने भी फर्स्ट टाइम देखा है तो बताओ किस पे, ये किस चीज का भाई? ये भी पूछेंगे किसी से। फिर पूछे किस पे, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, वो तो पूछ लिया था अखरोट का है उन पे। भाई पता चला तो बताते हैं आपको, एक आड़ू है, आड़ू पक्का 101% टेस्ट करा है। हाँ। ये आड़ू है भाई, आड़ू का पेड़ देखो। पहुंच गए भाई दोस्तों मंदिर में, ये देखो बाहर से व्यू इसका कितना बढ़िया लोकेशन पे है। अंदर जाके देखते हैं अभी वहां से नीचे। भाई आड़ू नहीं था वो, जिसने आड़ू बताए थे मास्टर जी, ये पोलम चुली है यहाँ पे। अच्छा है इसका छोटा भाई यो, और इसके अंदर था यो। हाँ है यो, आडू का छोटा भाई। हाँ इसके अंदर से बादाम बना, इसके अंदर आडू ऊपर का है, आडू का छोटा भाई है यो। ओके बेबी आडू की बेबी है, आडू की बेबी है भाई। देख कितनी बढ़िया ज्ञान की बात बता दी हमने। मंदिर में चलते चलते मंदिर में ही पहुंच गए। के कहो बादाम टाइप है, आडू में भी बादाम निकल रहा है। हां वो सी त्रिकोण निकला था इसमें। हां ये छोटी है मतलब उससे थोड़ी सी। चलो अब मंदिर चलते हैं भाई नीचे। तो भाई पहुंच गए दोस्तों मंदिर में, ये देखो कितना बढ़िया सुंदर नजारा है पहाड़ों के बीचों बीच मंदिर। अंदर चलते हैं अभी मंदिर के, यहाँ पे हाँ सब दुकानों से कुछ ना कुछ ले लिया। सब ये कर रहे हैं हमसे कुछ नहीं लिया, सबसे सब पे प्रसाद ले लिया हमने। कोई दुकान नहीं छोटी जिसपे प्रसाद ना लियो हमने। हाँ तो भाई यहाँ पे शूज रैंक के, अपना जूते निकालो और जाओ अंदर। ये है भाई भव्य नजारा मंदिर का, ये दरबार गेट यहाँ पे है। तो दोस्तों मंदिर के अंदर से आ गए हम दर्शन करके यहीं से, ये देखो आप अलाउड है नहीं अंदर फोटोग्राफी या कुछ भी वीडियोग्राफी, इस वजह से अंदर से नहीं दिखाया मैंने आपको। बड़ा ही भव्य मंदिर है ये देखो भाई।